दिस वीडियो। आज हम लोग चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। और चैप्टर अब 8 क्या है अपना, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक से, और फर्स्ट क्वेश्चन अपना है मेज, वीट एंड राइस आर एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स। ये किस तरह के रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि इसमें से किस टाइप के रूट पाए जाते हैं। तो इसका एक होगा आंसर फाइबरस रूट, ओके। ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पे दिए हुए मेज, हाँ, वीट, राइस, इसमें फाइबरस रूट पाए जाते हैं। तो रूट्स जनरली हम लोग टू तरह से क्लासीफाई किए हैं, एक तो जो टैप रूट होते हैं और जो दूसरा फाइबरस रूट होता है। टैप रूट में क्या होता है ना, केवल एक सिंगल लॉन्ग रूट बहुत डीप तक जाता है, और फाइबरस रूट में क्या होता है ना, बेस ऑफ द जो स्टेम है वहाँ से बहुत सारे रूट्स ग्रो करते हैं, ओके, और वो नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फाइबरस रूट। सेकेंड क्वेश्चन अपना है जिंजर एंड पोटैटो आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। देखिए ये मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, हाँ आपको लग रहा होगा कि ये रूट्स हैं, बट ये रूट्स नहीं है, अंडरग्राउंड होते हैं, इसलिए हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये रूट्स होंगे, बट ये स्टेम है, ओके, ये हम लोग को लर्न करना है। थर्ड क्वेश्चन अपना है द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लैंक दिया हुआ है इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, तो हम लोग जान रहे हैं लीफ, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर लेंगे, लीफ, लीफ द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बनियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूट। देखिए बनियान में तो रूट्स होती हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल टाइप का रूट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉप रूट। इसमें क्या होते हैं ना कि उसके ब्रांचेस से, हाँ ब्रांचेस से आपका रूट्स ग्रो करके और ग्राउंड लेवल तक पहुंचते हैं। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए, हाँ आप देख पा रहे हो बनियान ट्री है, और यहाँ ब्रांच से है ना ये रूट्स ग्रो करके नीचे जमीन तक पहुँच रहे हैं, ग्राउंड लेवल तक, और ये जो रूट्स है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं, ओके। हम लोग समझ गए बिल्कुल पिक्चर से। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या होगा, ध्यान दीजिए, इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए प्लांट का कौन सा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, हाँ ये हम लोग को बताना है। तो निश्चित तौर पर इसका आंसर फ्लावर होगा, ओके। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, हाँ, एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर लिए, फ्लावर, बहुत ही ईजी था। अब बात करेंगे 6th क्वेश्चन की, द लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू। ये देखिए जो लीव्स है कैक्टी, तो कैक्टी क्या अपना एक प्लांट है, और ये प्लांट कौन से एरिया में पाए जाते हैं, तो डेजर्ट में, हाँ जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है यानी कि बारिश कम होती है, उस एरिया में कैक्टस प्लांट ग्रो करते हैं, और आप इसको कह सकते हैं कि डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। तो इस ये कैक्टी है, और इसका जो लीफ होता है ना वो मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में, ओके, स्पाइन मीन्स कांटों के रूप में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए अपना, द लीफ ब्लेड इज नोन आल्सो नोन एज। लीफ ब्लेड को हम किस नाम से जानते हैं, ओके, उसका और क्या नाम हो सकता है, तो इसका आंसर होगा लेमिना, ओके। जो लीफ ब्लेड होता है ना उसको हम लोग लेमिना भी कहते हैं। चलिए हम देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाएगा अपना ट्रू और फॉल्स, ओके। जो स्टेटमेंट है हम लोग पढ़ेंगे और फिर जज करेंगे कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। तो पहला है अपने पास, ऑल प्लांट्स पॉजेज द टैप रूट सिस्टम। जितने भी प्लांट्स होते हैं क्या उसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जी नहीं, सभी में टैप रूट सिस्टम नहीं होता है। कुछ प्लांट्स में फाइबरस रूट्स और टैप रूट्स, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें टैप रूट्स पाए जाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें मेरा फाइबरस रूट पाया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ओके, दिस स्टेटमेंट इज नाउ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, द वीट एंड मेज प्लांट हैव अ फाइबरस रूट सिस्टम। हाँ यहाँ पे वीट और मेज की बात की गई है, तो वीट और मेज जो प्लांट है उसमें फाइबरस रूट सिस्टम होता है, जी बिल्कुल होता है, तो यहाँ पे हम ट्रू करेंगे, ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ेंगे स्टेटमेंट को और फिर कोशिश करेंगे बनाने का, कैक्टस प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज थ्रू देयर स्टेम। क्या कैक्टस प्लांट्स स्टेम्स के हेल्प से फोटोसिंथेसाइज करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपने लीव्स के हेल्प से फोटोसिंथेसाइज करते हैं।
तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टेम के थ्रू करते हैं, कौन, कैक्टस। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, कैक्टस प्लांट जो है ना स्टेम के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ट्रू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर देमसेल्व्स। जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो फूड प्रिपेयर करते हैं, हम लोग ये जानते हैं, ओके। बट वो जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? देमसेल्फ मीन्स हो रहा है अपने लिए, केवल अपने लिए, ब्रांच के लिए नहीं कर रहे, रूट्स के लिए नहीं कर रहे। जी नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। लीव्स, जो लीव्स होते हैं वो फूड प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, बट पूरे प्लांट उस फूड को उपयोग करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ओके, इसको हम फॉल्स कर देंगे। नाउ फिफ्थ वन इज, फ्लावर इज मीन फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो फ्लावर है कि नहीं है? यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्लावर में, फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू, इसको हम लोग ट्रू करेंगे, ओके, दिस स्टेटमेंट ट्रू। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये है अपना द पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। यस, पिस्टिल क्या है ना अपना? फीमेल पार्ट है फ्लावर का। फ्लावर्स को टू पार्ट में लोग डिवाइड करते हैं, उसके कुछ पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं मेल मेल पार्ट, और दूसरा कहलाता है फीमेल पार्ट। तो फ्लावर्स में जो पिस्टिल है ये अपना क्या है ना, फीमेल पार्ट है, ओके, ये फीमेल पार्ट है, इसको हम ट्रू कर लेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सेवेंथ वन इज, स्टिग्मा एंड ओवरी हैव नो रोल इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। क्या प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में ये जो स्टिग्मा है और ये ओवरी, इसका कोई रोल नहीं है? जी नहीं, इसका रोल है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स कहा गया है ना, हम लोग यहाँ पे कहेंगे फॉल्स, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि स्टिग्मा और ओवरी का रोल है रिप्रोडक्शन में, ये पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। चलिए लास्ट है अपना ट्रू फॉल्स का, सीड्स स्टोर फूड फॉर द फ्यूचर प्लांट्स। जो सीड्स हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर प्लांट के लिए। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। हाँ, सीड्स जो है ना वो फूड को स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर प्लांट के लिए। इसीलिए आप देखते हो जब सीड जर्मिनेट करता है तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो बेबी प्लांट होता है ना, उसको न्यूट्रिशन, उसको फूड कौन प्रोवाइड करता है? सीड ही प्रोवाइड करता है, ओके। चलिए अब हम बढ़ेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन में। हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो आप करेक्ट ऑप्शन होगा हमको टिक करना होगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास द रूट्स, हाँ रूट्स दैट आर कंज्यूम्ड एज फूड। हाँ, इसमें से कौन सा रूट है जो फूड के रूप में उपयोग किया जाता है, हम लोग एज ए फूड उसको लेते हैं, ओके, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमको रूट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन यहाँ पे रूट्स है। तो अनियन एंड स्वीट पोटैटो, देखिए अनियन आपका रूट्स नहीं है, ओके, ये हम लोग को ध्यान देना है। स्वीट पोटैटो तो रूट्स है बट अनियन रूट नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, पहला नंबर का गलत हो जाएगा। दूसरा अपना है कैरट एंड ऑनियन, देखिए ऑनियन फिर से ये पे अपना क्या है, ये अपना रूट नहीं है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन की बात कर लें तो ध्यान दीजिए ये अपना बीट है एंड टर्निप, दोनों ही हमारे रूट के उदाहरण है, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, हम लोग थर्ड नंबर को टिक करेंगे। फिर फोर्थ में पोटैटो है, पोटैटो आपका एक रूट नहीं है, ये क्या अपना एक स्टेम है, हम लोग को ध्यान रखना है। तो जनरली ये अंडरग्राउंड होते हैं इसलिए हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, बट इस केस में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है मेरा, बीट एंड टर्निप। चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, और यहाँ भी हमको 4 ऑप्शन मिलेगा। ध्यान दीजिए क्या है अपना ऑप्शन, द प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस से प्लांट फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस ऑप्शन होने वाला है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ओके, वाटर कंडक्शन ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं। चलिए थर्ड नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी इंटरेस्टिंग। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट द, ऑप्शन है हमारे पास नोड्स, हाँ पेडिसल, इंटरनोड एंड स्टॉक, ओके। तो एक पिक्चर के हेल्प से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास पिक्चर है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना कि ये लीव्स अटैच है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ओके। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन इज दैट इज द नोड। और ये देखिए इंटर नोड क्या है, तो जो दो नोड है ना इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं
इंटर नोड। ओके तो हालांकि हमको बोला गया कि किस पोर्शन पे अटैच होता है, तो हम लोग आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग, नोड्स को। ओके ये देखिए। ओके चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अपना, वो भी इंटरेस्टिंग है, गौर कीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ होल्स इन अ फ्लावर इज, देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, तो ऑप्शन इज 1, 2, 3 एंड 4। ओके चलिए एक पिक्चर के थ्रू हम इसको समझ लें। देखिए हमारे पास पिक्चर है, तो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये जो होल्स है ना, ये क्या एक्चुअली पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, कितने पार्ट में इसको लोग डिवाइड किए हुए। तो आप देखिए हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए, पहला तो पिस्टिल है, ओके दूसरा अपना स्टेमिन कहलाएगा, और तीसरा यहाँ पे देखिए आप पीटल है, और चौथा अपना हो गया सीपल। तो हम लोग ऑप्शन क्या करेंगे, फोर। हाँ लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जाते हैं फोर। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स इन अ फ्लावर इज आर, कितने हैं, फोर। ओके चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, और ये भी अपना इम्पोर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर कीजिए क्या है क्वेश्चन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो वेरी इजी, अभी हमने देखा हाँ फ्लावर होगा, ये सब सब रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ओके आइए हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर, द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू द बर्ड। ओके इट मीन्स बर्ड को प्रोटेक्शन कौन देता है, प्रोटेक्ट करके कौन रखता है स्टार्टिंग में, हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं। तो आइए एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करता हूँ मैं, ये देखिए ये फ्लावर्स हैं, और ये नीचे का पार्ट जो आप देख रहे हो ग्रीन पार्ट, ओके ये कहलाता है सीपल। हाँ और यही है जो प्रोटेक्शन देता है, किसको प्रोटेक्शन देता है, तो फ्लावर को, जब वो खिला हुआ नहीं है, ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सीपल कह रहे हैं, और ये प्रोटेक्शन देता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके और ये सब सब गलत हो जाएंगे, ये सब प्रोटेक्शन देने का काम नहीं करते, सबका अपना अपना अलग अलग वर्क है, अलग अलग फंक्शन है। ओके तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट। और हाँ अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि नए वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे।